पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है। वैसे सब महिलाओं को पीसीओडी में पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जिनको होती है वो काफी परेशान करने लायक होती है। अब पहले आती है बात कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। उनके पीरियड्स वो स्किप कर सकते हैं, जहाँ 28-30 डेज में आना चाहिए वो 40-45-50 डेज में आ रहा हो, 60 डेज में आ रहा हो, 90 डेज में आ रहा हो, और कई बार ऐसे आए ही ना दवाइयों के बाद आए, और कई बार अगर पीरियड्स आए तो मुश्किल से हल्का सा दाग गिरे, और कई बार जब पीरियड्स आए तो इतना हैवी आए, इतना लंबा आए कि वो रुक ही ना पाए। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी अपने लक्षण देना लग जाती है। वो होता इसलिए है क्योंकि बॉडी में जो इंसुलिन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, उससे बॉडी का जो FSH एलर्ज है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता और नियमित रूप से पीरियड्स प्रॉपर तरीके से नहीं आते। इसलिए पीसीओडी की बच्चियों में और महिलाओं में पीसीओडी की समस्या में अनियमित पीरियड्स, एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, हैवी पीरियड्स, पीरियड्स के बहुत पेन, इन सबकी संभावना होती है।